वेलकम टू विजय कुकिंग चैनल में सबको स्वागत है। आज बनाने वाला मैं जिस चिकन रेसिपी, पहले मैं एक चेस्ट पीस ले लिए, चेस्ट पीस को बोनलेस करके लिए, इसको थोड़ा सा फिंगर कटिंग काट लेंगे इसको इस तरह से, ऐसा साइज करना फिंगर कटिंग का, ज़्यादा मोटा वो नहीं चाहिए, ज़्यादा नाइस वो नहीं चाहिए, इस तरफ से काटने को। इसको मैं दो पीस कर लेंगे इस तरफ से काटने को। इस तरफ से काटना अपना, इस तरफ से काट लेने को, बस बस मेरा काटिंग हो गया। इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा वाइट पेपर, थोड़ा सा एक स्पून कॉर्नफ्लावर, एक स्पून दिए और एक स्पून मैदा, और थोड़ा सा डालेंगे अंडा। ओके, इसको अच्छे से मिक्स करूँगा। पानी देने का जो रोत है इसमें मिक्स होगा अच्छे से। इसको थोड़ा पानी देना था, मेरे को पानी नहीं देने को, तो इसको 5 मिनट के लिए इसको डाल देंगे। पहले से मसाला रेडी कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा दही देंगे, बस इतना दही, और दही पहले चेक कर लें, खट्टा ज़्यादा है तो थोड़ा सा देने को, ठीक है, और खट्टा नहीं है तो 2-3 स्पून दे देने को, ठीक है। स्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा मिर्ची पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर और थोड़ा बड़ा जीरा का पाउडर, और थोड़ा चिकन मसाला डालेंगे स्पून, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। और चाहिए तो मैं थोड़ा सोया सॉस को डालूँगा, थोड़ा 1 स्पून सोया सॉस। मिक्स करके रखा बस। दोस्तों अब तेल गरम छोड़ देने को, अच्छा से क्रिस्पी होने चाहिए, क्रिस्पी हो गए। सिंपल रेसिपी है, आप लोग अपने घर में बना के खा सकते हैं। सिंपल रेसिपी है, स्टार्ट कर देंगे निकालना में हो गया, चिकन रेडी हो गया, मैं निकालना आपको बहुत डालूँगा। आप भी जाओ मसाला रेडी करने को, मसाला तो रेडी करके रखा, टमाटर गर्म होने के बाद मसाला थोड़ा बटर डालूँगा, ऑयल सनफ्लावर ऑयल डाल सकते हैं, डालने के बाद वो मिक्स करके रखा। दोस्तों मैं ऑयल डालूँगा, थोड़ा ऑयल डालूँगा, ये
पहले जो मसाला मिक्स कर रहा था उसको तीखा देख रहे स्पाइसी चाहिए तो ये थोड़ा हरा मिर्ची और डाल सकते हैं। मैं हरा मिर्ची नहीं डालूँगा, मैं थोड़ा चिली क्रॉस है मतलब छोटा मिर्ची और क्रॉस और डाल दूँगा, चिली फ्लैक्स जिसको बोलते हैं। मैं होटल का स्टाइल को थोड़ा चिली फ्लैक्स डालूँगा में थोड़ा नमक थोड़ी शक्कर थोड़ा थोड़ा हल्का से मैं पानी डालूंगा। थोड़ा चिकन डाले मिक्स कर लेते इस तरह से मिक्स करेंगे। तो ऊपर से थोड़ा काजू डालूंगा, मतलब के स्नैक डालूंगा थोड़ा। काटा हुआ हरा धनिया वो डाल दूँ। अभी मेरा रेडी हो गया, मैं जिसी चिकन मैं प्लेट में साफ करूँगा। चिकन रेडी हो गया, अच्छा टेस्टी है, हेल्दी डिश है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ऐसा अच्छा सा रेसिपी मिलने के लिए मेरा वीडियो को लाइक समेत शेयर और सबको शेयर करिए। आपको घर में बना के देखिए टेस्ट कैसा लगता है। तब तक के लिए नमस्ते।